हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां शी जिनपिंग और इमरान खान के बयान पर मोदी सरकार ने दिया है करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है मोदी सरकार ने दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां कर्नाटक हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को किया तलब, भारत से मिला अब करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा भारत ने। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर नेहरू के समय भारत ने गलवान का ज्यादातर हिस्सा गंवाया, उसके बाद से एक इंच भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बीजेपी के इस सांसद ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आज हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती के बीच ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है क्वाड बैठक। जी हाँ दोस्तों, क्या रहने वाला है मुद्दा, इससे अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। और साथ ही बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश में दोस्तों पश्चिमी यूपी में कितने प्रतिशत कल वोट डले हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया वीडियो, कहा गलती की तो यूपी को कश्मीर और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी, ना गाय को कटने देंगे और ना ही छुट्टा जानवरों की समस्या पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में नहीं शामिल होंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, क्या है दोस्तों ये नई रणनीति, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। तो हर तरह की जानकारी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि हमारा भारत नंबर वन कंट्री है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां शी जिनपिंग और इमरान खान के बयान पर मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हालिया चीन यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया है दोस्तों। अब इसे लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कहा कि हमने देखा है कि 6 फरवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का जिक्र किया गया है। अरिंदम बागची ने आगे कहा, हम ऐसे संदर्भों को हमेशा से खारिज करते रहे हैं, ये बात पाकिस्तान और चीन को अच्छे से पता है। इस मामले में भी हम संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने को खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। हम आशा करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भी आपत्ति जताई और कहा कि चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारत के क्षेत्र में सीपीईसी का काम रोके। अरिंदम बागची ने कहा, हमने तथा कथित सीपीईसी परियोजना से जुड़ी अपनी चिंताओं से लगातार पाकिस्तान और चीन को अवगत कराया है, ये भारत के क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है। जी हाँ दोस्तों, हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान सहित अन्य देशों की यथा स्थिति को बदलने के किसी भी कोशिश का सख्ती से विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से ऐसी गतिविधियों को रोकने की मांग करते हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को किया तलब, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय राजनयिक ने कहा पहले अपना घर संभाले। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत को तलब किया। पाकिस्तानी मंत्रालय ने कर्नाटक के हिजाब विवाद पर भारतीय राजनयिक के सामने गंभीर चिंता दर्ज कराई। पाकिस्तान ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से रोकने का दावा करते हुए निंदा की। इस पर भारत के वरिष्ठ राजनयिक इस्लामाबाद में इंडियन चार्ज डी अफेयर्स सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए करारा जवाब दिया है दोस्तों। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना मंत्री फवाद चौधरी और विपक्षी नेता मरियम नवाज ने भारत पर निशाना साधते हुए हिजाब विवाद को भड़काने की कोशिश की थी। अब आपको बता दें दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनयिक सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, भारत में हर काम एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होता है। उन्होंने इस्लामाबाद को नसीहत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को पहले खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए,
दरअसल पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर जबरदस्त जुल्म ढाहा जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया गया है। आए दिन पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले, देवी देवताओं की मूर्तियों में तोड़ फोड़ की घटनाएं होती रहती है। बड़ी संख्या में हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, भारतीय राजनयिक को तलब किए जाने के संबंध में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा है दोस्तों कि भारतीय राजनयिक से भारत सरकार को ये बताने का आग्रह किया गया है कि कर्नाटक में आरएसएस बीजेपी गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे हिजाब विरोधी अभियान पर पाकिस्तान को बहुत चिंता है। ये मुस्लिम महिलाओं को अमानवीय बनाने का भारत सरकार के बहिष्कारवादी और बहुसंख्यवादी एजेंडे का हिस्सा है, जिस पर दोस्तों हमारी भारतीय राजनयिक ने दोस्तों पाकिस्तान को ये करारा जवाब दिया और कहा पहले अपने घर की दिक्कतों को संभालो, उसके बाद भारत में टांग अड़ाना। जी हाँ दोस्तों, यानी पाकिस्तान हमेशा ये खोजता रहता है कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा हिंदू मुसलमान मुद्दा खड़ा हो जाए जिसको लेकर वो भारत को कोसने की कोशिश करे और अन्य देशों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री बनाने और बहुत बड़ा चौधरी बनने की कोशिश कर सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफसोस इस बात का है दोस्तों कि पाकिस्तान की वो काबिलियत ही नहीं है कि भारत के सामने भारत के खिलाफ कुछ कह सके। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहाँ पर नेहरू के समय भारत ने गलवान का ज्यादातर हिस्सा गंवाया है, उसके बाद से एक इंच भी नहीं गंवाया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद नामग्याल ने बड़ी बात कह दी है। बता दें, भाजपा ने कांग्रेस पर गलवान घाटी का ज्यादातर हिस्सा चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। दोस्तों, लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने यह दावा किया है कि जवाहरलाल नेहरू सरकार के कार्यकाल में गलवान घाटी का ज्यादातर हिस्सा चीन को सौंप दिया गया और ये सीमा तब से वैसी ही बनी हुई है, इसमें बीते सालों में एक इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नामग्याल ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ये दावा किया। उन्होंने कांग्रेस से भी ये पूछा कि उसने 1962 से 2019 तक अपने चुनावी घोषणा पत्र में अक्साई चीन क्षेत्र को भारत में वापस लाने को शामिल क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, नामग्याल ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख से आता हूँ जो तिब्बत, चीन और पाकिस्तान की सीमा में है और जहाँ हमेशा तनाव रहता है। साथ ही विपक्ष ने पूछा कि सीमावर्ती इलाकों के लिए क्या किया गया, इसीलिए मैं अपने भाषण में सीमा पर ध्यान देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नामग्याल के इन बातों का क्या समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि नेहरू जी के ही समय में गलवान का ज्यादातर हिस्सा चीन ने कब्जाया है? दोस्तों, कौन कौन ये मानता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती के बीच ऑस्ट्रेलिया में आज होगी क्वाड की बैठक। चार मुल्कों के विदेश मंत्री लेंगे इसमें हिस्सा, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार को चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाय ने शुक्रवार को मेलबर्न में चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। पाइने ने कहा, मैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जे शंकर, जापानी विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके साथ एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के समर्थन में हमारे सकारात्मक और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्वाड ऑस्ट्रेलिया के तीन सबसे करीबी भागीदारों और दोस्तों के साथ एक साझेदारी है। इनमें से हर देश खुलेपन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम साथ में व्यवहारिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध, उदार लोकतंत्रों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हिंद प्रशांत देश, फिर वो चाहे बड़े हो या छोटे क्यों ना हो, वे बिना जबरदस्ती अपने खुद के रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से निपटना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये जानकारी मात्र बड़ों और बूढ़ों के लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि छात्रों के लिए भी है जो किसी चीज की तैयारी करें। दोस्तों ध्यान से खबरों को सुना करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत पर अमेरिकी पाबंदी से नहीं होगा भारत रूस सैन्य संबंधों पर असर, नए राजदूत की है ये राय। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए नव नियुक्त रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदी भारत के सुरक्षा हितों में है। उन्होंने ये भी इस खरीदी को लेकर अमेरिका
का द्वारा भारत पर पाबंदी की धमकी का भारत रूस सैन्य संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए रूस से अक्टूबर 2018 में $5.43 अरब का करार किया था। इसे लेकर अमेरिका भारत को बार बार चेता रहा है कि वो ये करार खत्म करे। उसका कहना है कि इससे अमेरिका विरोधी देशों के खिलाफ पाबंदी संबंधी कानून यानी SAATSA का उल्लंघन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पिछले महीने भारत ने S-400 सिस्टम की पहली रेजिमेंट की तैनाती शुरू कर दी। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की पहली इकाई अप्रैल में काम करने में सक्षम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर फ्रांस से 42 राफेल खरीदेगा इंडोनेशिया, चीन की हेगड़ी पर लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया फ्रांस से 42 राफेल जेट खरीदेगा। ये जानकारी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने अपने ट्विटर पेज से दी है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरेंस ने कहा है कि इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों के प्रगाढ़ होने से हमारी सामरिक साझेदारी को लाभ होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडोनेशिया पनडुब्बियों के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है दोस्तों, लेकिन अब चीन की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब इंडोनेशिया भी हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहाँ पर ब्रिटेन की बड़ी चेतावनी, यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, जिसके बाद दोस्तों रूस का बड़ा पलटवार, कहा हमें उपदेश ना दे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच विवाद शांत करने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई है। अमेरिका के फेल होने के बाद अब फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस से बातचीत का जिम्मा संभाला है। दोस्तों ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रूस इस समय रूस दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से यूक्रेन संकट पर बातचीत भी की है। दोस्तों ब्रिटिश विदेश मंत्री ने सर्गेई लावरोव को बैठक में ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिस पर पलटवार करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देश हमें उपदेश देने की कोशिश ना करे, इससे बातचीत की पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो सकती है। तो उधर यूक्रेन की सीमा पर रूस के करीब 1,00,000 सैनिक भारी हथियारों के साथ अलर्ट मोड पर तैनात है, जिसे देखते हुए यूक्रेन के समर्थन में उतरे नाटो ने भी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहाँ पर चीनी अतिक्रमण मामले को लेकर नेपाल ने कहा राजनयिक तरीके से सुलझाया जाएगा मसला। जी हाँ दोस्तों, चीन द्वारा नेपाल के क्षेत्र को अतिक्रमण किए जाने को लेकर नेपाल ने अपनी बात रखी है। दोस्तों नेपाल ने कहा है कि कथित चीनी अतिक्रमण से संबंधित मामले को कूटनीतिक तरीके से निपटा जाएगा। आपको बता दें, मीडिया में लीक हुए सरकारी रिपोर्ट के बाद चीन पर पश्चिमी नेपाल में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों मामले को लेकर नेपाल के केंद्रीय मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र कर्की ने कहा है कि चीन द्वारा सीमा पर कथित अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे से रिपोर्ट के आधार पर नहीं वास्तविकता के आधार पर निपटा जाएगा। उन्होंने कहा हमारी सीमाएं चाहे वो भारत के साथ हो या चीन के साथ, अगर इसके बारे में कोई समस्या है तो हम राजनयिक जरिए से हल करने के लिए तैयार हैं और ये दिक्कतें पैदा नहीं होनी चाहिए और सरकार इस पर पूरी लगन से काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहाँ पर ईरान ने बनाई 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली नई मिसाइल, बोला हद में रहे इसराइल और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। यह मिसाइल इजराइल और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर है दोस्तों, और खैबर एक यहूदी किले का नाम था जिस पर इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम योद्धाओं के कब्जा कर लिया गया था। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मिसाइल का इंजन ठोस ईंधन से चलता है। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी दावा किया गया है कि ये मिसाइल काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। अगली खबर की बात करें जहां पर चीनी निवेश पर तन गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बंदूकें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी चीनी निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में हुए समझौतों का
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि वो चीनी ठिकानों पर अपने हमले तेज कर देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल की चीन यात्रा के दौरान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में कई नई परियोजनाओं में निवेश के करार हुए हैं। दोस्तों, इमरान खान सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया है, लेकिन बीएलए ने कहा है कि वो ग्वादर बंदरगाह समेत किसी भी जगह पर चीनी निवेश के खिलाफ है। उसने आरोप लगाया है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर बलूचिस्तान के खनिज और ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर रही है। उन्होंने बलूचिस्तान को उपनिवेश बना लिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सऊदी एयरपोर्ट पर ड्रोन से भारी हमला हुआ है। दोस्तों, हूती विद्रोहियों पर है संदेह, जी हां, जिसमें 4 लोग हुए जख्मी। दरअसल सऊदी अरब के दक्षिण शहर में आबा में स्थित एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। ये हमला किस संगठन की ओर से किया गया है, दोस्तों, अभी तक ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन संदेह हूती विद्रोहियों पर किया जा रहा है। बात करें अगली खबर की, दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज बोले तो 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। दोस्तों, 5 बजे तक 58% लोगों ने ही वोट डाला है। जी हां दोस्तों, ये है पहले फेज यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल। जी हां दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, क्या कमी रह गई होगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर से नहीं निकले हैं दोस्तों वोटिंग करने के लिए, क्योंकि 57% ज्यादा नहीं होते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया एक वीडियो, कहा गलती की तो यूपी को कश्मीर और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। वोटिंग से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश जारी करके कहा है दोस्तों, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं को चेतावनी देने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस 6 मिनट के वीडियो को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से साझा किया। उन्होंने मतदाताओं से कहा, यदि गलती की तो कश्मीर, केरल और बंगाल बन जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ किया है, और जो कुछ भी कहा आपके भरोसे को ध्यान में रखते हुए उसे निभाया। आपने सब कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना है। मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है, इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी 1,00,000 गांव में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है, ऐसा पहली बार हुआ है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में कितने भाई और बहने जिन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में कल वोट दिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पर योगी आदित्यनाथ का एक और नया बयान, कहा ना गाय को कटने देंगे और ना ही, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई है। योगी सरकार की ओर से अवैध बूचड़ खानों पर रोक के बाद से प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ गई है। किसानों को इनसे फसल बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ना तो गायों को कटने दिया जाएगा और ना ही फसलों को नुकसान होने देंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से हुआ इस पार्टी को वोट देने का ऐलान, यानी समाजवादी पार्टी को वोट देने का ऐलान किया गया है दोस्तों मस्जिद के लाउड स्पीकर से। तुरंत मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। फिर क्या हुआ आपको बता दें, मेरठ के भावनपुर थाने के लुबकसर गांव में मस्जिद में लगा है दोस्तों समाजवादी पार्टी को वोट देने का नारा। बता दें, मस्जिद के माइक के द्वारा दोस्तों स्पीकर यानी लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया गया है दोस्तों कि समाजवादी के साइकिल के निशान पर ही वोट दें, जिसके बाद सरधना विधानसभा क्षेत्र के तलावा गांव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा किया। अन्य प्रत्याशियों ने मस्जिद में अनाउंस की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया, उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम छानबीन कर रही है। साथ ही भावनपुर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। भावनपुर के लुबकसर गांव में करीब 9 बजे मस्जिद के लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया था। जी हां दोस्तों, ऐलान किया गया था कि सभी वोट साइकिल को दें। मस्जिद में हुए ऐलान के बाद लुबकसर मतदान पर लोग सक्रिय भी हो गए। लगातार अनाउंस होने पर अन्य प्रत्याशियों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, तभी पुलिस ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। ऐसे मुजरिमों को तो सही में पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग।
बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर भाजपाई बने ग्रेट खली, पहलवान दिलीप राणा ने थामा कमल का दामन। केजरीवाल से मुलाकात के बाद हुई थी राजनीति में आने की चर्चा। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले WWE पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा गुरुवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले पिछले साल ग्रेट खली और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि पंजाब चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि गुरुवार को उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। ऐसे में दोस्तों उनको कॉन्ग्रेचुलेशन द ग्रेट खली जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में नहीं शामिल होंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तैयार हुई ये रणनीति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी चुनावी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे उनकी रैली में आने के बजाय अलग अलग से रैली करें। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रैलियों के जरिए ज्यादा मतदाताओं तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच सके। ये बात पीएम ने आज सभी बोले तो कल मुख्यमंत्रियों से कही है दोस्तों। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकारें हैं। अब यहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आने के बजाय अलग से रैली करेंगे। आपको बता दें आज से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिजिकल रैलियों की भी शुरुआत कर दी है कल से। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है दोस्तों। हां या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है मोदी जी के इस निर्णय को लेकर। साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर सीएम योगी के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत, कहा उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक श्री राम है। जी हां दोस्तों, बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करती है दोस्तों पीएम मोदी के साथ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर की और जीत पर विश्वास जताया है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अंतिम विजय हमारी होगी निश्चित, ये परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है। जी हां दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों योगी जी की जीत को लेकर? कितने भाई बहन मानते हैं कि योगी जी ही इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे और मोदी ही लहराएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सोलर लाइट से जगमग होंगी गांव की गलियां। जी हां दोस्तों, और सड़कें आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना 2 के तहत अब राज्य के गांव के रास्ते और महत्वपूर्ण स्थान सोलर लाइट से रोशन होंगी और इस योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर मणिपुर में चुनाव की तारीख में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब 28 फरवरी और 5 मार्च को डाले जाएंगे वोट। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली खबर में दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।